योगी सरकार ने प्रदेश संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए यूपी की जेलों में बंद 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तलब की है। डीजी जेल ने प्रदेश के सभी जेल सुपरिटेंडेंट से उनकी जेलों में टॉप 10 अपराधियों की सूची तलब की है, ताकि जेल के अंदर होते हुए अपने गिरोह चला रहे ऐसे अपराधियों की कानून का शिकंजा और कसा जा सके। इस वक्त कई बड़े अपराधी प्रदेश के तमाम जिलों की जेल में बंद है, जिनमें बांदा जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बरेली जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव, व्यागरा की जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा, सोनभद्र की जेल में बंद गैंगस्टर सुंदर भाटी, हरदोई की जेल में बंद कुख्यात अपराधी खान मुबारक समेत कई नाम शामिल है, जिनकी जेलों की निगरानी और सख्त अब कर दी गई है। यूपी के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तलब कर ली गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कुख्यात अपराधियों पर निगरानी अब सख्त कर दी जाएगी। योगी सरकार ने जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों की पूरी सूची अब मंगवा ली है। डीजी जेल ने सभी जिलों के जेल अधीक्षकों से भी तलब किया है पूरी लिस्ट। अब यहां पर और कड़ा पहरा कर दिया जाएगा इन जेलों में। गाजियाबाद में लोनी के रूपनगर में हुए हादसे पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीएम और जीडीए को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि लोनी में जिस गति से अवैध तरीके से प्लॉटिंग और अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन की टीम कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने इलाके को भूमाफिया से बचाने के लिए एंटी भूमाफिया और अतिक्रमण दस्ता नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के भी बसाए जाने का आरोप लगाया है। रूपनगर हादसे के बाद एक्शन में है लोनी के विधायक, डीएम और जेडीए को चिट्ठी लिख दिया है इसके लिए और एक्शन लेने की मांग की जा रही है। जो लोनी के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उससे मैं स्वयं और पूरी लोनी की जनता बहुत दुखी है, और जो अवैध कॉलोनियां निर्माण हो रहे हैं इन पे कई बार पहले भी मैंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि वीसीजीडीए तत्काल बड़ी कार्रवाई कर और जो एसटीएम के क्षेत्र में जो कॉलोनियां आती है उन पर भी कठोर कार्रवाई करा कर, तो परमानेंट एक दस्ता लोनी में जो डेली कार्रवाई हो जिससे, और ये जो समस्या है जो वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में लोनी के अंदर बसाए जा रहे हैं, उनको रोकने का काम करेंगे, जिससे कि राष्ट्र के लिए भी सुरक्षित हमारी लोनी रहे। खबर अब लखनऊ से है। आज एएनएम को ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिशन रोजगार के तहत 7179 एएनएम को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लोक भवन में सभी को एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो 7189 एएनएम को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत लोक भवन में सभी को एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इस पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।